नमस्कार मित्रों, अभी हरियाणा में एक विषय काफी गर्म है कि मोखरा गांव में कोई साध्वी हैं जो झाड़ा लगाती हैं और वो झाड़ा लगा के काफी रोगों को ठीक करती हैं और शराब छुड़वाती हैं, ऐसा सुनने में आया है। हमें नहीं पता, हम वहां नहीं गए, लेकिन जो झाड़ा है इसकी जो प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है, इसमें लाभ होता है या नहीं होता, क्या ये कोरा पाखंड है? और अगर ये पाखंड नहीं है, मान लेते हैं इसमें शुरुआती तौर पर आराम होता है, तो आगे चल के इसमें आराम होना बंद क्यों हो जाता है? क्यों इस पर इतना विवाद उठता है? और जब शुरुआती तौर पर लोगों को आराम होता है, वो उसका प्रचार करते हैं, और जिस वक्त ये मान लो एक पौधा है, जब ये पूरा फूल फैल जाता है, लोगों को इसका पता लगता है। मान लो आपने एक वटवृक्ष लगाया और उसकी शाखाएं काफी फैल गई, दूर दूर से लोग उसके नीचे आके बैठने लग गए, और जब लोग आके बैठने लग जाए तब उसके पत्ते गिरने शुरू हो जाए, यानी उसकी छाया खत्म हो जाए। अगर ऐसा होता है तो क्या कहोगे आप? क्या वास्तव में वट वृक्ष छाया देने वाला था या अब नहीं दे रहा? और अब नहीं दे रहा तो क्यों नहीं दे रहा? और यदि उसकी पहले छाया थी तो क्यों थी? ये जो सारा खेल है, ये सारा का सारा खेल है ऊर्जा का। अब यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड में जो भी वस्तु है, उनकी सबकी अपनी ऊर्जा है, ठीक है? जीवित की भी, मृत की भी, जली हुई की भी, जो इस धरती पर नहीं रहे उनकी भी, और जो आने वाले हैं उनकी भी, सबकी ऊर्जा समान है, सबकी ऊर्जा समान है। और ब्रह्मांड में ऊर्जा इतनी है कि आप जितनी चाहो उतनी वहां से प्राप्त कर सकते हो, जितनी चाहो, कोई सीमा नहीं है, कोई भी प्राप्त कर सकता है। बड़ा आसान जो है ये तरीका है ऊर्जा के विज्ञान को समझने का, झाड़े के विज्ञान को समझने का। आखिर ये जो झाड़े होते हैं, इनसे लाभ क्यों होता है और आगे चलकर इनका लाभ होना बंद क्यों होता है, आज इस विषय पर हम बात करेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा, यदि आप में से कोई महंत सुकराईनाथ के संपर्क में है तो ये वीडियो उनको जरूर साझा करें। मैं पहले भी उनसे एक बार मिल चुका हूँ, इस विषय पर उनसे बात हुई है, ठीक है? तो मैं चाहूँगा कि उनके सामने ये वीडियो भी जाए, क्योंकि वो इस समय पर काफ़ी जागरूक है। बात उनकी भी सही है कि ये पाखंड क्यों, क्योंकि यदि पहले आराम होता था तो अब क्यों नहीं, और यदि पहले आराम होता था और अब आराम नहीं होता, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इन सभी बातों के ऊपर हम आज बात करेंगे। तर्क करने वाले अपनी जगह पर सही है, तर्क करने से किसी नास्तिक को आस्तिक नहीं बनाया जा सकता। तर्क से वो लोग मान सकते हैं जिनकी बुद्धि कुतर्क से हटने का क्षमता रखती हो। इसको समझने के लिए तर्क की नहीं, बुद्धि की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है। तो जो ऊर्जा विज्ञान होती है, जिस वक्त पर आप ऊर्जा को इकट्ठा करना शुरू करते हैं, मैं आपको नाम लेता हूँ। मान लो आपने शिव ऊर्जा एकत्रित कर ली है। अब शिव ऊर्जा को इकट्ठा कैसे किया जाता है? ध्यान के द्वारा किया जाता है। कम से कम आपको 21 दिन का ध्यान करना होता, कम से कम। और वो ध्यान जो है, धीरे धीरे आपके शरीर में ऊर्जा जो है इकट्ठी करने लग जाता है। और फिर उसके बाद जब आप किसी के संपर्क में आते हो या किसी का आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो उस ऊर्जा के माध्यम से आप कर सकते हो। लेकिन साथ में ही आपको और भी ऊर्जा इकट्ठी करने के लिए ध्यान करना होता है। यहाँ पर गड़बड़ क्या होती है? मान लो कल मैं यहाँ पर ध्यान योग से जो ऊर्जा इकट्ठी करता हूँ, ध्यान करता हूँ या नहीं करता हूँ ये बाद का विषय है, वो जो ऊर्जा मैंने इकट्ठी करी है, कल मैंने किसी एक रोगी को जो है उसका ट्रीटमेंट दिया, उसको लाभ हुआ, उसने कल जाके दो को कह दिया, परसों दो आ गए, ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़नी शुरू हो गई और ऊर्जा को दो तरीकों में बांटा गया है, एक सात्विक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा और एक नकारात्मक ऊर्जा, एक दैवीय ऊर्जा और एक राक्षसी ऊर्जा। तो जो मरीज होते हैं, जो रोगी होते हैं, उनके अंदर नकारात्मकता ज़्यादा होती है, सकारात्मकता बहुत कम होती है। तो जब सकारात्मकता जो है नकारात्मकता के साथ में मिलेगी, तो नकारात्मक ज़्यादा है और सकारात्मक
कम है। जैसे हमारे शरीर के अंदर WBC और RBC दो कोशिकाएं होती हैं, दोनों हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो भी कोशिका बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है तो दूसरी कोशिकाओं को खाना शुरू कर देती हैं और हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन लॉजिक ये है कि दोनों की हमें आवश्यकता है, लेकिन वो अगर निश्चित स्तर पर हैं तो ठीक है, लेकिन कम ज़्यादा होती हैं तो हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं। ये छोटे छोटे उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप इस बात को थोड़ा गहराई से समझ सको। तो ऐसे ही जब ज़्यादा रोगी के संपर्क में कोई ध्यान करने वाला व्यक्ति आता है, उनका ट्रीटमेंट करता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसको समय नहीं मिल पाता और नकारात्मकता उसके ऊपर भी हैवी हो जाती है, लेकिन वो भूल जाता है कि तेरा इतना सामर्थ्य नहीं है तू इतने लोगों का ट्रीटमेंट कर सके। अब 200, 200, 300, 300 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उन सब के ऊपर वो अगर एक साथ झाड़ा लगाएगा या अपनी रेकी जो ऊर्जा है उसको छोड़ेगा। ये काम आप भी सीख सकते हो, घर पे बैठ के सीख सकते हो, कोई ज़्यादा लफड़े वाला काम नहीं, बड़ा आसान है, बड़ा सरल है और बड़ा ही लाभदायक है। थोड़ा और मैं आपको समझाना चाहूँगा। मान लो हम किसी को, हमारे पास कोई औषधि है, बहुत अच्छी औषधि, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और उसको तैयार करने में हमें 5-6 दिन लगते हैं। 5-6 दिन में वो दवाई तैयार होती है। मान लो मैंने वो 10 लोगों के लिए तैयार कर दी और मेरे पास कोई एक आदमी आया, मैंने उसको दे दी, उसने ली, उसको आराम हुआ, बड़ा अच्छा लगा। वो फिर किसी और से मिला, उसने उसको कहा, वो भी आया, उसको भी आराम हुआ। फिर उसने जाके 2 आदमियों से कह दिया कि ऐसे ऐसे वहाँ पर जो है औषधि है इस चीज़ की, तू भी वहाँ से ले आ। फिर 2 के 5 हो गए, 5 के 10 हो गए, 10 के 100 हो गए। लेकिन मेरे पास औषधि कितने दिन की है, कितने लोगों के लिए है, 10 लोगों के लिए, लेकिन 5-6 दिन में तैयार होती है। मान लो मैंने कल अगले हफ्ते में और 10 लोगों की तैयार कर दी, लेकिन मेरे पास लोग हो गए कितने, 100। जब 100 लोग मेरे पास उस औषधि को लेने के लिए आएंगे तो मैं वो औषधि तो उनके लिए हो सकता बना दूँ, लेकिन वो गुणवत्ता नहीं हो सकती, क्योंकि उस औषधि को जो गुणवत्ता चाहिए, उस गुणवत्ता के लिए उस औषधि पर समय देना होता है। ऐसे ही जो ये झाड़ा लगाने वाले हैं, ये जो ऊर्जा इकट्ठी करते हैं, उस ऊर्जा के ऊपर ये इनके पास जो है रोगियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है और इनके पास ऊर्जा कम हो जाती है, तो इनके रिजल्ट बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। और जो ये लोग हैं कि इस आदमी के सिर पे बाल उगा दे, मैं 5 लाख दे दूंगा, ये कर दे, मैं वो कर दूंगा, अगर ऐसा चैलेंज कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता, कोई जुखाम के लिए स्वीकार नहीं सकता, कोई खांसी के लिए स्वीकार नहीं कर सकता, कोई बाल उगाने के लिए स्वीकार नहीं कर सकता, अगर बाल ऐसे उगाने आसान होते झाड़े से या मेडिकल साइंस से, मेडिकल साइंस में भी जो लोग जो हैं इतना पैसा देश का खर्च किया जा रहा है मेडिकल साइंस के ऊपर, अगर आप विज्ञान के पास जाओगे, डॉक्टरों को कहोगे कि ये आदमी मर गया है, मैं 1 अरब रुपए दे दूंगा, आप इसको जीवित कर दो, आप डॉक्टर, तो क्या जीवित कर देंगे? नहीं कर सकते। कोई भी आदमी किसी भी चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकता। ये ऊर्जा का विज्ञान है, किस पे काम करेगी किस पे नहीं करेगी ये ज़रूरी नहीं है। पैरासीटामोल है, बुखार को उतारती है, ज़रूरी नहीं वो सबको उतारे। खांसी की दवाई है, किसी को ठीक करती है, कोई किसी को उससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसी जो है ये ऊर्जा का विज्ञान है, ये ऊर्जा का विज्ञान है, आपके मेडिकल साइंस से सेफ है। डॉक्टर खुद इसके पास आते हैं, जब डॉक्टर मना कर देते हैं, वैद्य मना कर देते हैं, यूनानी मना कर देते हैं, या होम्योपैथी के जो डॉक्टर हैं, जो आज सबसे ज़्यादा आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, उनके भी बस का कुछ नहीं होता, वो लोग भी समय आने पर अपने आप ठीक हो जाते हैं। ये ऊर्जा का विज्ञान है। जिस वक्त आपका समय आएगा सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा, और जिस वक्त आपका बुरा समय आएगा तो कुछ भी आपके अनुकूल नहीं रहेगा। तो रेकी चिकित्सा जो होती है वो झाड़ा चिकित्सा होती है। यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यूट्यूब पर या फिर गूगल पर या रेकी से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें भी हैं, उनके माध्यम से जो आप इसकी जानकारी ले सकते हो।
ये जो झाड़ा लगाने वाले हैं वो निर आधार नहीं है, बिल्कुल उसका आधार है, सात्विकता का आधार है, लेकिन उसकी जब अति हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा लोगों पर आप प्रयोग करते हो, तो निश्चित रूप से उसका आपको नुकसान होता है। रोगी को तो शायद उसका फायदा हो जाए, लेकिन आपको उसका नुकसान होगा, क्योंकि आप उतनी ऊर्जा जोड़ नहीं पाते अपने अंदर जितनी ऊर्जा आप लोगों को बांट रहे हो। यदि आपको ऊर्जा को बड़ी सरलता से समझना है, तो आप एक काम करो, आप ऐसे दोनों हाथ करो, देखो क्या इन हाथों के बीच में कुछ है। आपके हाथों के बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप इनको थोड़ा ऐसे हिलाओ और थोड़ा अब ऐसे करो, अब इनको जोड़ने की कोशिश करो। अब आपको महसूस होगा कि इनके बीच में कुछ है। अब इनके बीच में जो कुछ है वो ऊर्जा है। अब ये जो इनके बीच की ऊर्जा है, अगर ये सात्विक है और आप इसको किसी के ऊपर छोड़ सकते हो, आप इसको जानते हो, तो उसको लाभ होगा। और यदि ये नकारात्मक है, राक्षसी ऊर्जा है, तो उसको इसका नुकसान होगा। अब जैसे मेरे हाथों के बीच में एक बिल्कुल बॉल सी बन गई है, फुटबॉल के जैसी मैं महसूस करता हूँ, लेकिन अगर आप भी ध्यान के संपर्क में आओगे तो ये सब चीज़ें आप भी महसूस करोगे। आप महसूस करोगे, अगर आप दीवार को ऐसे धकेलने की कोशिश करोगे, तो एक समय आएगा कि आपके और दीवार के बीच में कुछ ऐसा आ जाएगा कि आप रुक जाओगे। आप कुछ अलग सी फीलिंग महसूस करोगे कि है क्या, ये बीच में क्या आ गया है। ये चीज़ें जो है, यही विज्ञान है ऊर्जा का विज्ञान, यही विज्ञान है झाड़ा का विज्ञान। लेकिन लोग ये समझ लेते हैं, वो है ना कि चूहे को मिल गई हल्दी की गांठ और खुद को पंसारी समझ बैठा। तो ये लोग जो थोड़ी सी ऊर्जा इकट्ठी कर लेते हैं, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं। ये समझते हैं कि कोई पैसा कमाने के लिए, कमाओ पैसा अगर आपके पास कुछ है, आप पैसा लेते हो किसी से, तो आपकी ऊर्जा कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं जाती। ये पाखंड है कि पैसा लेके करोगे तो नहीं होगा, बिल्कुल होगा, पैसा लेके भी होगा, बिना पैसे लिए भी होगा, लेकिन उतना करो जितना आपके पास सामर्थ्य है। अगर आपके पास एक बाल्टी है पानी की, सबको पता है पानी का काम बुझाना है या पानी का काम गीला करना है, लेकिन यदि उस एक बाल्टी को आप हजारों किलो मिट्टी में डाल दोगे, तो आपकी बाल्टी कहाँ गई कुछ पता नहीं लगेगा। तो ये दुनिया है, बहुत ज़्यादा संख्या बल है, सब नकारात्मकता की भरी हुई पानी की बोतलें हैं। इनके अंदर यदि आपकी सात्विकता की एक बाल्टी डालकर इनको शुद्ध करने की कोशिश करोगे, तो आप खुद को भी खो दोगे। यदि आपको करना है ये काम, तो निश्चित अवधि के साथ आपको चलना होगा, निश्चित लोगों के साथ आपको चलना होगा, संख्या बल नहीं। अगर आप पैसा लेते हो तो भी निश्चित मात्रा में आपको ये ट्रीटमेंट देना होगा, और आप फ्री में करते हो तो भी निश्चित लोगों के साथ आपको चलना होगा, क्योंकि आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप इतना सारा कर सको। राम रहीम, आसाराम और ये रामपाल,